अस्सलाम वालेकुम। या सर, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। टाइटल एक्सपो है। आप कह रहे होंगे मैं प्लेन क्यों दिखा रहा हूँ। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन है जो कोई एक्सपो की प्रमोशन के लिए तैयार किया गया है। तो चलें हम भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। पहुंच चुके हैं पाकिस्तानी प्रोविलियन। एक्सप्लोर करते हैं इसको, लेट्स गो। गली टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये लैंड ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्लोर करती है कि 900 साल पहले पाकिस्तान में क्या था। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको नज़र आ रहा होगा कि 1947 में कादियाज़म, उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद सिख गवर्नमेंट थी, फिर आगे पीछे जाते जाए बिन कासिम। तो ये बेसिकली जो पाकिस्तान की जो तारीख है उसको बयान करता है। ये आप सूरज के एंगल देख सकते हैं। कहते सबसे जब पहले यहाँ पे जो थे, जो कि रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते थे लाइक बलूचिस्तान, उसमें कहते हैं इसकी सूरज की पूजा की। ये जो आपके सामने मनाजिर है, ये शीश महल के मनाजिर हैं, जो कि लाहौर में जो शीश महल है उसकी थीम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। एक खूबसूरत से अंदाज में इसको दिखाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे पीसेस को जोड़कर बनाया गया हुआ है, ये सब का मिक्सचर्स हैं। जो रिफ्लेक्शन आपको लाहौर के शीश महल में मिलता है, तो वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है। अगर इस कश्ती के बारे में मैं बात करूं, तो 4,500 साल पहले सखर के इलाके में ऐसी कश्तियां बनाई जाती, उसी का एक रेप्लिका बना के एक्सपो में रखा गया है। इससे यह जाहिर होता है 450 साल पहले भी पाकिस्तान में, के पाकिस्तान के लोगों में उस वक्त भी इतना टैलेंट था। कि मुख्तलिफ़ मजहब के मुख्तलिफ़ रिवायत दिखाई जा रही है, इनको दिखाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के लैंड में हर एक मजहब मौजूद है और वो अपनी त्यौहार, जो भी उनके रस्म व रिवाज हैं, वो आज़ादी से उनके ऊपर कोई रोक धाम इस तरह कोई तो उनके ऊपर कोई रोक धाम नहीं है। दूसरी जानब आप ये स्क्रीन को देख सकते हैं। स्क्रीन पे ये सब दिखाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेहद फ़ायदा हो सकता है। क्राफ्ट में है, बेसिकली बाजार टाइप है। कुछ चीज़ें दिखाने के लिए रखी गई हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो फॉर सेल भी हैं। इसको दिखाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में हाथ से बनाने का भी टैलेंट मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पाकिस्तान का प्रोविलियन अच्छा लगा होगा, और काफ़ी सारा कुछ था देखने के लिए। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए चीज़ें मिली। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।